नमस्कार, आई एम आदर्श। वेलकम टू आदर्श एजुकेशन सोसाइटी। नमस्कार, आई एम आदर्श। वेलकम टू आदर्श एजुकेशन सोसाइटी। हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? टुडे वी विल स्टार्ट इंग्लिश ग्रामर चैप्टर 39 कॉम्प्रिहेंशन 2। इन दिस कॉम्प्रिहेंशन there is a given passage and we will answer the questions. So first we will read the following passage and answer the questions. So first of all we will read the passage. Kaun sa passage hai? The title is Life in Space, Planets and Space Travel. In Planets, astronomy is the study of space. Astronomy is the study of space. Astronomers and scientists use telescopes and other equipment to study the planets. Scientists hai wo kaun sa use karte hai? Use telescopes एंड अदर इक्विपमेंट्स प्लैनेट्स का स्टडी करने के लिए। दे वुड लाइक टू फाइंड आउट हाउ द यूनिवर्स वर्क। साइंटिस्ट है वो क्या फाइंड आउट करते हैं? तो दे वुड लाइक टू फाइंड आउट हाउ द यूनिवर्स वर्क। हमारा जो यूनिवर्स है बहुत बड़ा है, वो कैसे काम करता है, वर्क करता है। ऑल एट प्लैनेट्स, देर आर एट प्लैनेट्स इन सोलर सिस्टम। तो ऑल एट प्लैनेट्स ऑर्बिट अराउंड द सन, सन के आसपास वो राउंड करता है। जुपिटर, द वन इज जुपिटर, द बिगेस्ट प्लैनेट इज जुपिटर। तो जुपिटर इज द बिगेस्ट प्लैनेट एंड प्लूटो इज द ड्वार्फ प्लैनेट। अर्थ इज द ओनली प्लैनेट विद लाइफ एंड वॉटर। और भी एक है ऐसा प्लेनेट है जिनके पर लाइफ और वॉटर है, दोनों है एक साथ। मर्क्यूरी इज वेरी स्मॉल एंड इज क्लोजेस्ट टू द सन। सन के सबसे क्लोजेस्ट प्लेनेट कौन है? तो वो है मर्क्यूरी। मर्क्यूरी इज वेरी स्मॉल एंड इज क्लोजेस्ट टू द सन। आपकी बुक में ही है ये कॉम्प्रिहेंशन सेकंड। देन स्पेस ट्रैवल, तो मोर देन 350 पीपल हैव ट्रैवल इनटू स्पेस एंड मेनी मोर वुड लाइक टू एक्सप्लोर स्पेस इन द फ्यूचर। 12 एस्ट्रोनॉट्स हैव लैंडेड ऑन द मून। द लाइफ ऑफ एन एस्ट्रोनॉट इज एक्साइटिंग एंड डिफिकल्ट। मून पर जाना बहुत डिफिकल्ट भी है। दे ईट स्लीप एंड ब्रीथ बट दीज नॉर्मल एक्टिविटीज आर डिफिकल्ट। ये सब डिफिकल्ट क्यों है? बिकॉज दे आर लिविंग इन वेटलेस कंडीशन। वो वहाँ के जो एयर है वो बहुत पतली है, इसलिए क्या लिखा है? बिकॉज दे आर लिविंग इन वेटलेस कंडीशन। तो देर आर टू पैसेजेस, प्लैनेट्स एंड स्पेस ट्रैवल्स। तो देर आर सेवन क्वेश्चन इन सेकंड कॉम्प्रिहेंशन, सेवन क्वेश्चन एंड हमें क्या करना है? विल गिव द आंसर्स ऑफ द क्वेश्चंस इन गिवन पैसेज लाइक इन स्पेस। नाउ वी विल स्टार्ट वन बाय वन क्वेश्चंस एंड मैंने यहाँ आंसर्स लिखे हैं और आई विल ऑल्सो सेंड यू आंसर्स वन बाय वन। वी विल रीड द आंसर क्वेश्चंस एंड आंसर्स। फर्स्ट क्वेश्चन इज, तो व्हाट डू एस्ट्रोनॉमर्स एंड साइंटिस्ट यूज टू स्टडी द प्लैनेट्स। व्हाट डू एस्ट्रोनॉमर्स एंड साइंटिस्ट क्या यूज करते हैं स्टडी के लिए? तो फॉर
astronomers and scientists use telescopes. Use telescopes and other equipment to study the planets. Astronomers and scientists use telescopes and other equipment to study the planets. Then, second question. How many planets orbit around the sun? कितने जो planets है वो sun के around में orbit करते हैं? तो right answer is 8 planets orbit around the sun. Then third question is Jupiter bigger than Pluto? Yes, Jupiter is bigger than Pluto. Jupiter है वो Pluto से बड़ा है. Then fourth question is How many astronauts have landed on the moon? कितने astronauts ने moon पर land किया है? So there are 12 astronauts have landed on the moon. 12 astronauts have landed on the moon. Now question number 5. How many people have traveled into space? कितने people ने space में travel किया है? Answer is more than 350 people. More than 350 people have traveled into space. Then question number 6. Why are normal activities difficult in space? Space में जो activities है, normal activities है, तो क्यों वो difficult है? Right answer is normal activities are difficult because the astronauts live in weightless conditions. वहाँ बहुत पतली है इसलिए वहाँ वेटलेस हो जाते हैं सब. तो इन वेटलेस कंडीशंस. देन लास्ट इज हाउ मेनी प्लेनेट्स आर देयर इन द सोलर सिस्टम. सबको आना चाहिए तो आंसर हाउ मेनी प्लेनेट्स आर देयर इन द सोलर सिस्टम. कितने प्लेनेट्स है? देयर आर 8 प्लेनेट्स इन द सोलर सिस्टम. देर आर 8 प्लेनेट्स इन द सोलर सिस्टम. मैं एक बार रिपीट कर जाती हूँ. फोर्थ इज एस्ट्रोनोमर्स एंड साइंटिस्ट यूज टेलीस्कोप एंड अदर इक्विपमेंट टू स्टडी द प्लेनेट्स. सेकंड 8 प्लेनेट्स ऑर्बिट अराउंड द सन. देन यस जुपिटर इज बिगर देन प्लूटो. फोर्थ 12 astronauts have landed on the moon. Fifth, more than 350 people have traveled into space. Sixth, normal activities are difficult because the astronauts live in weightless conditions. And last, seventh, there are 8 planets in the solar system. Okay, bye. Thank you for joining us. Thank you for joining us.